हसन कुरैशी, पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी और समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान करता हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट लेकर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है और मौजूदा सरकार चाहे वो प्रदेश की है चाहे देश की है, वो बिना भेदभाव के हिंदू और मुसलमान सबके विकास का काम कर रही है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री की जो योजना गरीबों को आवास की थी, कोई भेदभाव नहीं हुआ, उसमें हिंदू को भी जितने घर मिले उतने ही मुसलमान को भी घर मिले। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों का कोई भला होने वाला नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मौजूदा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, वो सिर्फ अपने दफ्तर में बैठ के राजनीति करते हैं, कहीं कोई किसी को समस्या आ जाए वो कहीं जाने का काम नहीं करते, वो सिर्फ अपने ऑफिस में बैठकर हर बात पे ट्विटर में बस ट्वीट करने का काम करते हैं। हमें ऐसी पार्टी के साथ जुड़ना है जो सबको साथ तो सबको का विकास करने का काम करती है। मुझे उम्मीद है कि बहुत तेज़ी के साथ पसमानदा मुसलमान, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हम पसमानदा मुसलमान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, अब तक चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उन्होंने पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं किया। तो मैं आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ और मेरा जहाँ तक इरादा है वो ये है कि मौजूदा सरकार बहुत अच्छी नीतियों के साथ में चलाई जा रही है। मैं जो भी जैसे मदरसों का भी सर्वे का काम किया तो हमारे जो देश में मुसलमानों के सबसे बड़े मौलाना अरशद बनी साहब हैं, उन्होंने भी इसका स्वागत किया कि मदरसों का जो सर्वे हो रहा वो बहुत ठीक ढंग से हो रहा है, सही रास्ते पर चल रही है सरकार की। मैं इसका भी समर्थन करता हूँ और ये अपील करता हूँ कि मुसलमान अपनी आँखें खोल लें और ये नाम नेहाद जो सेकुलर पार्टी हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इससे दूरी बनाएं और ये देखें कि हमारा विकास किस पार्टी के अंदर है। इसका मतलब सपा छोड़ के भाजपा का दामन थामने का इरादा है? मैं इस फिलहाल तो समाजवादी पार्टी ही छोड़ रहा हूँ और जैसा मुझे उम्मीद है, और मैं आज बीजेपी में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनकी नीतियाँ हैं उनसे मैं प्रभावित हूँ और मैं उनके साथ रह के मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी में बड़ी तादाद में जोड़ने का काम करूँगा। पसंदा मुसलमान जो आज तक दबा कुचला रहा उनके लिए किसी ने कुछ नहीं किया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पसंदा मुसलमानों को आगे बढ़ाने का वादा किया है। इस उम्मीद के साथ मैं अगला कदम बहुत जल्दी उठाऊँगा और आप सबको बताऊँगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।